You're watching Tag TV. Tags you news, views, and entertainment. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे ऐसी शख्सियत के हवाले से जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ये ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में बच्चा बच्चा हर कोई जानता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी शख्सियत रही है। हम बात कर रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की हम बात कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो जो 1953 में पैदा हुई और 27 दिसंबर 2007 को जो है वो शहीद कर दी गई। इस्लाम दुनिया की वो पहली खातून थी जो वज़ीर आज़म बनी। वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। तालीम का आगाज़ उन्होंने जो है वो पाकिस्तान से किया और आला तालीम के लिए अमरीका जो है वो चली गई और वहाँ से जो है उन्होंने आला तालीम हासिल की। यूके में भी उन्होंने तालीम हासिल की, बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड थी और सियासत और कानून का कोर्स भी जो है उन्होंने मुकम्मल किया और फिर 1984 में पीपल्स पार्टी की कमान जो है उन्होंने पूरी तरह से संभाल ली। तो हम बात कर रहे हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से, उनकी शख्सियत पर भी हम नज़र डालेंगे। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए और पीपल्स पार्टी की इस वक्त की क्या कारकर्दगी रही, उस वक्त क्या कारकर्दगी थी और मिड में क्या कारकर्दगी रही, अब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जानशीन जो हैं वो किस तरह से पीपल्स पार्टी की कमान को संभाले हुए हैं और किस तरह से पीपल्स पार्टी को जो है वो आगे लेके चल रहे हैं, और जो भुट्टो के नवासे हैं वो किस तरह से पीपल्स पार्टी को जो है ऊपर लेकर जाते हैं, अब देखना ये होगा क्योंकि हमारे सामने है सारी सिचुएशन, सब नज़र भी आ रही है हमें। और पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा से जो है बड़ी पार्टी रही है और बहुत से उसने अच्छे काम भी किए हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनके सारे काम तो हमारे सामने ही हैं और जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत थी जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, इसी हवाले से हमने बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में दावत दी है। पीपल्स पार्टी के शोबे से भी वाबस्ता हैं और तालीम पर भी इनके काफ़ी गिरफ्त है और अक्सर अखबारात में भी ये लिखती रहती हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में भी जो है वो आती रहती हैं और तमाम निजी टी वी चैनल्स जो हैं वहाँ पर भी इनका तजिया जो है वो हम देखते रहते हैं, काफ़ी सॉलिड होता है। मुसर्रत तियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मुसर्रत आप हमारे प्रोग्राम में आई। जैसे कि मैंने ब्रीफ किया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है उनकी शख्सियत से तो ख़वातीन वैसे ही इंस्पायर हैं, माशाल्लाह से वो थी वैसे बड़ी खूबसूरत और साथ साथ उनकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा था, और आप कितना उनसे इंस्पायर थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोकक मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ बच्चियों को पढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ख़ुद सोचें कि जिस फैमिली में पढ़ाने का कॉन्सेप्ट नहीं है उस फैमिली की खातून को पॉलिटिक्स में आ जाना, और फिर स्पेशली बड़ा चुपके चुपके से, जब 8th क्लास की स्टूडेंट होती थी तो मैंने अपने रूम में जो है ना बीबी साहिबा की बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगाई हुई थी। तो फादर आते थे तो हंसते थे, कहने क्यों, मैंने कहा बाबा मुझे अगर अपनी अम्मी के बाद कोई ज़्यादा पसंद है ना तो बीबी साहिबा है ना, तो कह लेंगे कि मैंने कहा मैं बाबा इनसे बहुत प्यार करती हूँ। और आप खुद सोचेंगे जब मुझे उस छोटी उम्र से ही उनसे मोहब्बत थी, है, रहेगी, तो उनकी फिर शख्सियत भी कुछ ऐसी सहरंगेज थी। फिर वो ऐसी खातून का नौजवानी के अंदर, जवानी के अंदर अपने वालिद के लिए स्ट्रगल करना, बीबी साहब और मुझ में एक चीज़ मुश्तरका थी, वो ये थी कि मैं अपने वाले साहब से बहुत प्यार करती हूँ बेताशा, और बीबी साहिबा भी अपने वाले साहब की बहुत लाडली और बहुत प्यार करने वाली बेटी थी। तो उन्होंने जब देखा कि वाले साहब को इतनी तकालीफ का सामना है और इतनी तकालीफ दी गई एक डिक्टेटर ने दी उन्हें, तो बीबी साहिबा ने
उन तमाम तकालीफ को ना ख़ुद बेयर किया बल्कि वालदा को देखा इस हालत में कि वालदा को लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें उनके सर से खून आ रहा है। और अगर कोई भी जिया भुट्टो का नाम लेता था उस वक्त तो उससे मैदान में खड़े करके कोड़े लगाए जाते थे कि किसी तरह से कोई ना, लेकिन देखिए ज़बरदस्ती किसी चीज़ से नहीं होती है। एक मोहब्बत, एक लगाव जो था वो बीबी से होता गया, वो भुट्टो साहब से तो था ही सही, आहिस्ता आहिस्ता बीबी से इस हद तक मोहब्बत लोग करने लगे कि मैं समझती हूँ कि बिल्कुल मेरे शहीद बाबा की बेतहाशा कुर्बानियाँ सब कुछ था, लेकिन जो बीबी साहिबा की कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, मैं समझती हूँ ना सिर्फ किसी मर्द ने दी हैं, और औरत तो मैं समझती हूँ तसव्वुर ही शायद ना कर सके, लेकिन किसी मर्द ने भी इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी हों जितनी के बीबी साहिबा ने दी हैं। और जो उनकी स्ट्रगल थी, जो उनकी जद्दोजहद थी, जो उनका आवाम के लिए जज्बा था, मैं वो जो है ना कोकब बीबी साहिबा की वो पिक देखती हूँ तो बा बिलीव करें कि कभी भी आंसू किसी भी सूरत में किसी भी औरत के हो या कोई मर्द हो वो थम नहीं सकते कि अपने बाबा से आखिरी मुलाकात भी अगर करने जा रही है या मुलाकात भी हो रही है उनकी, तो वो उंगलियां हाथ से टच करके अपने बाबा को टच कर रही हैं और उस पिंकी को उसका बाबा क्या मैसेज दे रहा है कि मैं तुम्हें सालगिरह पर या तुम्हें इस मौके पर क्या तोहफा दूं। मेरी वसीयत है कि अवाम को मेरी बेटी कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। आप देख लीजिए उन्होंने अवाम को तन्हा नहीं छोड़ा, बिल्कुल तन्हा नहीं किसी चीज की कमी नहीं थी, बहुत सपोर्ट और किया। वो वापस आई और किस जज्बे से आई कि 18 को ब्लास्ट हो रहा है, 18 अक्टूबर को ब्लास्ट हो रहा है और सुबह सब उन्हें मना कर रहे कि बीबी साहिबा आप ना जाए। वो उठती हैं और उठकर वो फौरन हॉस्पिटल जाती हैं, और अपनी मूवमेंट को कम नहीं करती। देखें जब वाले साहब के दौर में भी वो गई तो जमहूरियत की बहाली के लिए उन्हें बिल्कुल जाना पड़ा, रहना पड़ा, जलावतनी की जिंदगी उन्होंने गुजारी। बहुत निडर थी, वो डरती नहीं थी, वो निकल जाती थी बिल्कुल। और जब वापस आई तो एक और परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर ने आइन तोड़ा और आकर बैठ गए। तो मुझे बताएं कि उनके खिलाफ भी उन्होंने उसी तरह से जद्दोजहद की, और जब तक वो आमिर नहीं गया पीपल्स पार्टी उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठी। और लोग कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, जो बीबी साहिबा ने ख्वातीन के लिए कोकब किया मैं समझती हूँ कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, कोई दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकता। देखिए जो जो तकालीफ उन्होंने जेल में देखी कोकब, वो उन्होंने देखा कि जेल में ख्वातीन के साथ या कैदियों के साथ किस किस्म का सलूक होता है। उस पर देखें जैसे वो वज़ीर आज़म बनती हैं तो सबसे पहला इकदाम उठाती हैं कि ख्वातीन के लिए अलग जेल हो, बिल्कुल ठीक है, बच्चों के लिए अलग से जेल हो, ख्वातीन के लिए अलग पुलिस स्टेशन हो, ये तमाम चीज़ें, ख्वातीन के बैंक अलग हों ताकि वो आज़ादी से काम कर सकें, आज़ादी से जी सकें। ठीक है कि मर्दों का मुआशरा है, मैं मानती हूँ, मैं तस्लीम करती हूँ, लेकिन बीबी साहिबा ने मनवाया कि नहीं, अगर स्ट्रगल करे औरत और एक स्टैंड ले ले तो वो मर्द भी मर्दों को भी पीछे छोड़ देती है। और हमारे इस्लाम में कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक खातून का वजीर आज़म होने का, लेकिन उन्होंने मेहनत की, स्टैंड लिया, वो उस जद्दोजहद में लगी रही। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं वजीर आज़म बनूंगी, उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी आवाम के लिए काम करूंगी। और जब आवाम के लिए उन्होंने काम किया तो आवाम ने उनको वार्म वेलकम किया वोट की सूरत में, ठीक है, वो सिलेक्टेड नहीं हुई, वो इलेक्ट हुई मोहब्बत से पूरे पाकिस्तान में, ऐसे ही तो नहीं कहते। हाँ, लोग चारों बड़ी मोहब्बत करते थे और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका बड़ा नाम था। देखिए ऐसे नहीं कहा करते थे लोग, चारों सुबह की जंजीर, बेनजीर बेनजीर। और अब भी मैं समझती हूँ कि जो कुछ मेरे कायद, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे कर रहे हैं, देखिए उन्हें भी किसी चीज़ की आपको लगता है उन्हीं के विजन पे चल रहे हैं? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, बिलावल साहब कई दफ़ा ये कह भी चुके हैं, 12 टाइम कह चुके हैं कि मेरा मकसद
देखें वही वाली बात है कि जब भुट्टो साहब शहीद हुए तो बीबी साहिबा जब जला वतन हुई तो उन्हें किसी चीज़ की नीड नहीं थी, हर चीज़ अल्लाह पाक ने उनको दी, इज्जत दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया। एक वजीर आजम की बेटी थी और वजीर आजम ही की पोती थी, ठीक है, उनके पास किसी चीज़ की शोहरत, उनको कमी नहीं, थी। एक अच्छे घराने से थी, एक अच्छी पढ़ी लिखी थी, एक खूबसूरत खातून थी, क्वालिफाइड थी, दिल में लोगों की हमदर्दियाँ रखती थी, मोहब्बत रखती थी। लेकिन वो आई वापस, देखें आई वापस तो आवाम के लिए आई, इस जज्बे से आई कि जो मिशन मेरे वाले साहब ने छोड़ा था मैं उसको आगे की तरफ बढ़ाऊंगी। उस वक्त देखें बीबी साहिबा भी जब शहीद, सॉरी बाबा जो अब को भी फांसी लगाई जाती है, शहीद किया जाता है, तो उस वक्त भी लोगों का नज़रिया यही था, ये बच्ची है ये क्या करेगी, बहुत कम उम्र में उन्होंने स्ट्रगल की बहुत ज्यादा और एक डिक्टेटर के सामने खड़ी रही। आप यकीन करें कि जिस छोटी सी कोठरी में वो मौजूद थी, अगर आप उनकी किताब पढ़ें तो वहाँ खटमन, चूहे, चपकलियाँ, ये चीज़ें आम थी और सिर्फ अजियत देने के लिए थी। तो अब यही चीज़ें कहा जाती थी कि बीबी नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब उन्होंने स्ट्रगल की तो मेरे जैसी पॉलिटिकल वर्कर कहेगी कि उन्होंने हमारे शहीद बाबा की स्ट्रगल को भी मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक पीछे छोड़ा। अब लोग कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो नहीं कर सकते, बच्चे हैं। मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि बच्चे क्या मछली को कोई तैरना सिखाता है कि पानी में डाल दिया जाए? सही। क्या इंसान के बच्चे को चलना कोई सिखाता है? ये देखें वो जिस माँ का बेटा है, जिसकी कोख से उसने जन्म लिया है, जिसके अंदर उसकी स्ट्रगल है, जिसके अंदर उनने उनके तो खून में ही सियासत है। देखिए मैं कह रही हूँ ना, उनके तो खून में है रची बसी हुई सियासत प्लस लोगों के लिए स्ट्रगल, लोगों के लिए मोहब्बत और खिदमत का जज्बा, तो वो शख्स कैसे नहीं कर सकता? उन्हें भी किसी चीज़ की नीड नहीं थी। माँ की शहादत के बाद वो चाहते तो खामोश होकर बैठ जाते थे, जरदारी साहब चाहते तो उन्हें कहते कि मेरा इकलौता बेटा है, मैं उन्हें क्यों इस मैदान में उतारूं? लेकिन उन्होंने जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं अपनी वालदा के छोड़े हुए मिशन को आगे ले जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी पाकिस्तानी आवाम के अंदर जो अंधेरे हैं वो ख़त्म करूँ, या जो मेरी वालदा ना कर सकी। देखिए बहुत कम बीबी साहिबा को टाइम मिला, बिल्कुल, जो वो ना कर सकी वो इंशाल्लाह मैं उस मिशन को पूरा करूंगा। अच्छा हमने मुसरत यहाँ पे ये भी देखा है कि हमेशा हम देखते थे कि सिंध में ही उनकी जो है बरसी को जो है मनाया जाता था, लेकिन अब क्या खास वजह है कि अब उधर जहाँ पर वो शहीद हुई थी उस मुकाम पर जाया जाएगा? देखिए मैं एक बार बताऊँ, बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, बल्कि बहुत ऐसे लोग जो मैं उन्हें पॉलिटिशियन तो खैर मैं नहीं कह सकती हूँ, बहरहाल क्योंकि उनका कोई विजन नहीं है, ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो ने कुछ नहीं करना, या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है, ये अभी कुछ नहीं कर सकता, तो ये उनके लिए एक मैसेज। और फिर जब हम कुछ कहते हैं कि जी हमारी कायदीन की जो लाशें हैं वो पिंडी से आ रही है, तो फौरन कह देते हैं कि जी ये सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, सिम कार्ड नहीं है। देखें मेरे शहीद बाबा को अगर फांसी दी जाती है और बाद में कहा जाता है, हालांकि तमाम ने तस्लीम किया, जुडिशरी कत्ल था वो, ठीक है, इतना बड़ा पाकिस्तान का नुकसान, इस मुल्क का नुकसान, देखें उस शख्स ने इस मुल्क के लिए क्या नहीं दिया, आपको 73 का आइन दिया, शिमला मुआहदा करके 93,000 कैदी आपको रिहा करवा के दिए, और कई हज़ार किलोमीटर पर जो मुहित था वो ज़मीन आप को लेके दी, जंगी कैदियों को रिहा करवाया, और फिर आपको ये एटमी जो हम आज एटम कहते हैं, बड़े फखर से कहते हैं जी हम एटमी कुव्वत है, तो ये एटमी कुव्वत आपको बनाने में किरदार किसका रहा? भुट्टो साहब का रहा। तो वो शख्स को आप फांसी दे रहे हो तो आपने अपने आप को बहुत पीछे छोड़ दिया। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलवा के दी, मुसलमानों को इकट्ठा करना चाह, यकजा करना चाह, और ऐसे लोगों को गैर मुस्लिम करार दिया गया जो आपके आपके और मेरे हक में नहीं थे, तो आप उस शख्स को फांसी दे रहे हैं। सही। और जुडिशरी कत्ल था उनका, उसके बाद आप कहते हैं कि जी
हम कहते हैं सिम कार्ड, फिर बीबी साहिबा जाती हैं कितनी मोहब्बत से, क्योंकि सिम के दौरे करती भी जगह जगह अपने उसी अंदाज से लोगों में घुल मिल जाना, लोगों में उनकी बातें पूछना, तकलीफ करना, उनकी तकलीफ को जानना. लेकिन जब पिंडी में बीबी साहिबा जाती हैं तो आप मुझे बताएं कि उन्होंने किसी किस्म का कोई ऐसा कार्ड, उन्होंने हम कहा कि ये धरती मुझे बुला रही है. हाँ, सही. इस पे भी बात करेंगे मुसर्रत, लेकिन वफा जरूरी होता है. नाज़िम, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जाने. Greenish Hair Skin and Nails formula is packed with all the essential nutrients like biotin, omega-3, vitamins, and minerals to provide your hair, skin, and nails the nourishment that it needs. Like all other Greenish vitamins and supplements, the Hair Skin and Nails formula is gluten-free, dairy-free, soy-free, and non-GMO. It is also halal, kosher, and veggie certified. So make Greenish Hair Skin and Nails formula a part of your daily healthcare routine. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you're financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. वेलकम बैक नाजरीन. आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं और मुसर्रत से ये भी पूछेंगे. मुसर्रत, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात रही है, लेकिन वो हम देखते हैं सुकड़ का सिंध तक महदूद होती हुई दिखाई नहीं देती कुछ. अच्छा, पहले तो कोकब, मैं आपके वो जुमला कम्प्लीट कर लूँ. देखिए, आपने क्वेश्चन किया था कि हम रावलपिंडी में क्यों मनाने जा रहे हैं. देखिए, ये मनाने इसलिए जा रहे हैं कि जैसे अभी आपने क्वेश्चन खुद ही कर दिया उसके ऊपर, जिसका जवाब दोनों का मिला जुला जवाब ही है. उसकी रीज़न ये कि लोग कहते हैं, अभी जैसे आपने कहा कि पीपल्स पार्टी जी सुकड़ गई है, पीपल्स पार्टी सिर्फ महदूद होके रह गई है सिंध तक. इंशाल्लाह जब 27 दिसंबर को बीबी साहिबा की जो हम बरसी करने जा रहे हैं रावलपिंडी में, तो वहाँ लोग बताएंगे उन लोगों को कि पीपल्स पार्टी चारों सूबों में वैसी ही मकबूल है जैसे पहले थी, और अब भी इंशाल्लाह वैसे. अब 2008 में गवर्नमेंट हमारी आ रही है, ठीक है, उसके बाद लोग कह रहे हैं जी हम ख़त्म हो गए. ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. अब पीपल्स पार्टी को थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर है सिलेक्टेड टाइप के, ठीक है, पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड का सामना ज़रूर है, लेकिन पीपल्स पार्टी जब आप देखेंगे आने वाला इलेक्शन, इंशाल्लाह ताला जब वज़ीर आज़म लोगों की मोहब्बत में और लोगों के वोटों से बनेगा, जब बिलावल भुट्टो जरदारी, तो लोगों को पता चल जाएगा. तो आप बिलावल साहब में वो देख रहे हैं जज्बा सियासत का? बिल्कुल है, बिल्कुल है. ऐसा देखें, जब अनाड़ी लोगों को भी तो ला के देखा ना, अनाड़ी भी तो आए ना, हालांकि उसमें अनाड़ी लोग नहीं है, वो तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं. खिलाड़ी इसलिए कि दर दर का पानी तो उन्होंने पिया हुआ है, जैसे कहें घाट घाट का तो पानी उन्होंने पिया हुआ है. अब जो घाट घाट के पानी वाले लोग हैं, लेकिन उन्हें आवाम से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें आवाम से कोई मोहब्बत नहीं है. उन्हें तो इस चीज़ से मोहब्बत है कि हम किसी न किसी तरह किसी न किसी के साथ इकतदार में रहें. उन्हें इकतदार का नशा, उन्हें आवाम का कोई शौक नहीं है. तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और अपनी शहीद वालदा के नक्शे कदम पर होंगे और आवाम के साथ जाकर उसी मोहब्बत से, उसी जज्बे के साथ
چلیں گے اور پاکستان کو اور عوام کو انشاءاللہ بہت اچھی سمت میں لے کے جائیں گے. دیکھتے ہیں یہ بھی کہ آگے چل کے ہوتا ہے کیا. اچھا کچھ پوچھنا یہ بھی چاہوں گی آپ سے کہ سندھ کی قیادت پر اقرا با پروری اور کرپشن کے سنگین الزامات ہیں اور لیڈرشپ مقدمات کا جو ہے وہ سامنا بھی کر رہی ہے, جیسے کہ آپ کے سامنے ہی ہے, اربوں کروڑوں گھروں سے برآمد ہو رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو لطیفے کی سب سے بڑی داستان ہے میں سمجھتی ہوں. دیکھیں اس کی ریزن, دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ کے پی کے سے بھی اگر کوئی کہیں سے پیسے نکل رہے ہیں, ٹین ڈبے والے سے یا سبزی والے سے, کہیں سے بھی نکل رہے ہیں تو وہ بھی زرداری صاحب کے کھاتے میں آ رہے ہیں. اچھا اگر کہیں اور سے بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی زرداری صاحب کے کھاتے میں آ رہے ہیں. بھائی میں یہ پوچھتی ہوں, اس نکمی نیب سے یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے بتا دیں, عوام کو بتا دیں. چلے میں کون ہوتی ہوں بٹ عوام ہوں میں, میرا رائٹ ہے آپ سے پوچھنا. عوام کو بتا دیں اربوں کھربوں روپے کی کرپشن آپ لگاتے ہیں میری لیڈرز پہ, آ کے رک کہاں جاتی ہے؟ وہ کہاں رک کے جاتی, کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ اس پہ آپ کو کچھ نہیں ملتا جب آپ نے چھ چھ مہینے بھی رکھ لیا. دیکھیں ایلیگیشنز تھے, چاہے ادی فریال صاحبہ ہوں, چاہے زرداری صاحب ہوں, چاہے شرجیل انعام میمن ہوں, چاہے خورشید صاحب ہوں, ٹھیک ہے خورشید صاحب ہوں, خورشید شاہ صاحب ہوں, ان کے پر دیکھیں سب پر ایلیگیشنز تھے. ایلیگیشنز پر آپ نے انہیں میں تو کہوں گی حسب بیجا میں رکھا, میں تو اس کا لفظ استعمال کروں گی. تو آپ لیکن اب تو سب رہا ہو چکے ہیں. دیکھیں آپ نے ان کو چھ چھ ماہ صرف ایلیگیشنز پہ آپ نے انہیں جیل میں بند کیا, آپ نے انہیں بند کیا, اور اتنے بڑے جھوٹے اور فراڈی گورنمنٹ ہے. میں کہوں گی کہ ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم رات کو 12 بجے, صبح عید ہے, ایک خاتون کو ہم لے کے جا رہے ہیں, انہیں اریسٹ کر رہے ہیں. ان کا گناہ کیا تھا, قصور کیا تھا؟ اگر اتنے بڑے مجرم ہیں پیپلز پارٹی والے, مجرم تو ہیں, بالکل ہیں مجرم نا, کیونکہ مجرم اس لیے کہ وہ عوام کا سوچتے ہیں, انہوں نے عوام کے لیے جیے ہیں, عوام کے لیے مرے ہیں, تو مجرم تو ہوئے نا یہ, کیونکہ ان کی نظر میں تو مجرم ایسا ہی بندہ جو عوام کے لیے سوچے, کیونکہ یہ تو صرف نعرے لگاتے ہیں, کبھی ریاست مدینہ کی, کبھی غریبوں کی, کبھی تو آپ حج کے لیے سبسڈی نہیں دیتے ہیں, اور آپ گرو رانک پہ اتنے خرچ کر دیتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی میں سال میں وہ تیار ہو جاتا ہے سب کچھ. تو یہ چیزیں تو ہیں. آپ نے اگر پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو گرفتار کیا, انہوں نے آپ سے کہا کہ میں اتنا بیمار ہوں مجھے ملک سے باہر جانا ہے, یا مجھے آپ رہا کر دیں, مجھے کبھی نہیں کہا. جب تک ان کی بیٹیوں نے, دیکھیں بیٹیوں کی جو ہوتی ہے, کوئی بھی بیٹی ہوگی اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار کرتی ہے, بے تاشا کرتی ہے. بیٹیوں نے, اس دن بھی ہم اسلام آباد میں تھے, تو بیٹیوں نے انہیں کہا کہ بابا آپ کو ہم نے کرنا ہے, اور بہت ٹائم بعد جب انہوں نے بیٹیوں نے فورس کیا تو وہ مانے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کبھی کہہ دیا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں. وہ کراچی کے اندر ہی ہے, اور کہتے ہیں کہ کراچی کے ہاسپٹلز یا نہیں ہے, تو کراچی کے اندر صبح سندھ کے اندر ہی ہاسپٹل میں ہی اپنا علاج کروا رہے ہیں, باہر نہیں گئے. نہ انہیں شوق ہے, اس لیے کہ وہ مردے ہو رہے ہیں, اس سے ضرورت نہیں ہے ان جیسے لوگوں کے سامنے کہنے کی, ڈیلنگ کرنے کی. یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیل, بھائی ڈیل ہے تو پھر کیوں, جب کچھ بھی نہیں ملا قیادت کے خلاف. دیکھیں خورشید شاہ صاحب کے بارے میں کہوں, ایک چھوٹی سی بات کہوں, خورشید شاہ صاحب پہ ایلیگیشن سے کہ جی گھر ہیں اور پتنی اربوں خربوں روپے, 500 ارب کی یہ پراپرٹی, اور 500 ارب کے آخر میں کرتے 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 وہ اتنا اس پہ آگے, ایک گھر پہ بات آ گئی کہ جی گھر کا وہ نہیں. حد کریں, شرم کریں کوئی تھوڑی سی. وہ اس شخص نے کسی ایک دن کہہ دیا, اصل میں پریشرائز کرنا, پریشرائز کرنا قیادت کو, باقی لوگوں کو پریشر. تو پاکستان پیپلز پارٹی کیسے پریشرائز ہو سکتی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے تو خون میں یہ شامل نہیں ہے. ہمارے تو, ہم نے تو شہادتیں دی ہیں, ہم تو شہادتیں دینے والے لوگ ہیں, ہم تو کوڑے کھانے والوں میں سے ہیں, ہمیں کون کیا پریشرائز کرے گا؟ جب ہم ڈکٹیٹرز کے سامنے نہ جھکے تو ان کٹ پتلی لوگوں کی اوقات کیا ہے کہ جو میرے لیڈران کو دھمکائیں گے یا لوگوں کی گرفتاریاں ڈال کے سمجھتے ہیں کہ انڈر پریشر کریں گے؟ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں رہا ہو گئے, رہا ہو گئے تو ہاں, میں یہاں پہ یہ پوچھوں گی, سندھ حکومت اور پی ٹی آئی کے تعلقات کیوں اتنے کشیدہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں, مرکز سے لڑ کر اور نقصان عوام کا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی
کبھی بھی عوام دشمنی پر نہیں اترتی ہے. پیپلز پارٹی کا تو منشور ہے روٹی کپڑا اور مکان. آپ پچھلے اس میں دیکھ لیں, پلاٹس غریبوں کو دیا گیا, بے زمین ہاریوں کو, خواتین کو بھی زمینیں الاٹ کی گئیں, پلس جن کو نہیں کر سکتے تھے, جو بچے پڑھ نہیں سکتے تھے انہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کارڈز دیے گئے, ہیلتھ کارڈ دیے گئے, جس پہ سے صرف انہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر شاید بری لگ رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ سمجھتے تھے کہ ان کی تصویر لگی ہوئی ہے تو عوام میں, تو انہوں نے اس کو نام احساس کا نام دے دیا. تو یہ سارے کام, یہ سارے منصوبے یعنی ہو چکے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ سارے منصوبے کوکب ہیں کس کے لائے ہوئے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے لائے ہوئے. اچھی بات ہے نا, کوئی حکومت اگر کچھ اچھا اقدام کر رہی ہے تو دوسری حکومت اگر اس کو فالو کرتی ہے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد تو یہ ایک اچھی بات ہے. دیکھیں فالو کرتی ہے, لیکن اگر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر تھی یا ان کے نام سے یہ اگر کام چل رہا تھا تو اتنی بڑی لیڈر, اتنی بڑی خاتون, اتنا بڑا نام, انہوں نے شہادت دی اس ملک کے لیے. اپنے والد صاحب شہید ہوئے, ان کے وہ خود شہید ہوئے, پورا گھرانہ ان کا شہیدوں میں شمار ہو گیا. تو اس پر بھی آپ, بھائی شہید ہوئے ان کے, والدہ کس تکلیف سے, مادر جمہوریت انہیں ایسا ہی نہیں کہا گیا, انہوں نے سٹرگل کی اپنی ذات کے لیے نہیں کی. میں نے پہلے کوکب کہا ہے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. یہ جمہوریت, یہ سٹرگل, یہ سب کچھ عوام کے لیے تو کیا ہے نا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ عوامی, تو پھر خائف کس بات سے؟ جب بلاول صاحب میدان میں آئے تو انہیں خائف ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ خان صاحب جا کے بات کرتے ہیں کشمیر پہ, آج کتنے دن ہو گئے, کتنا مسئلہ حل ہو گیا جس کے لیے دعائیں کرتے تھے مودی کے لیے کہ وہ آئیں گے تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا, تو اس میں کتنا ٹائم ہو گیا. تو پیٹ جو ہے نا کوکب, تقریروں سے نہیں بھرا کرتے, ہمیشہ اس پہ عمل کرنے سے ہوں گے, امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. بالکل بالکل, مسٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں دو دفعہ وزیر اعظم رہی, ان کی ذات پر کوئی کرپشن نہیں کرتا, لیکن زرداری صاحب پر الزامات کی بھرمار ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں میں صداقت ہوگی نہیں, دیکھیں میں بتاؤں, پہلے ادوار میں بی بی صاحبہ کو بھی جب ہٹایا گیا تو ایلیگیشنز اسی قسم کے لگے تھے, کرپشن کے لگے تھے. لیکن مجھے بتائیں کہ کبھی بھی نہیں پوسیبل. اگر آپ نے, میں تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیتی ہوں کہ جی کرپشن کے زرداری صاحب پر ہی کیوں الزامات لگے. اس وقت زرداری صاحب ہیں, بی بی صاحبہ جب حیات تھی تو اس وقت بھی صرف ایلیگیشن کی صورت میں, ایلیگیشن ہی کی صورت میں بہت بڑا کوسچن مارک ہو جائے گا میری معزز عدلیہ پر, بہت بڑا کوسچن مارکس ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی عدالتوں کا, کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی نے تو نہ عدالتوں پہ کبھی چڑھائی کی, ہم نے جوڈیشری قتل کو برداشت کیا, اپنے قائد کو شہید کیا گیا تو ہم نے اس کو بھی برداشت کیا, لیکن احترام کیا ہم نے عدلیہ کا. اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی عدلیہ پر کبھی انگلی نہیں اٹھاتی ہے, لیکن اس چیز میں عدلیہ پر انگلی اٹھتی ہے یا اٹھ جائے گی. پھر اٹھ کیوں جائے گی کہ 11.5 سال زرداری صاحب جیل میں رہے, بالکل زبانیں کاٹی گئیں ان کی, ایک دفعہ نہیں دو دفعہ زبان کاٹی گئی, ان کو اذیت دی گئی. اس اذیت کا مقصد کیا تھا کہ آپ تھوڑا الگ ہو جائیں یا بی بی صاحبہ کے خلاف کچھ کہہ دیں. 11.5 سال ایک شخص بغیر کسی کچھ جرم کیے ہوئے 11.5 سال وہ جیل میں رہتا ہے, وہ اذیتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ میری معزز عدالت ہی انہیں باعزت بری کرتی ہے, تو پھر کس چیز کا ان پہ الزام ہے؟ لیکن ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں تمام تر کیسز جو آ رہے ہوتے ہیں, الزامات آ رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ چیزیں میں نے کہا نا, یہ کوسچن کس سے کرنے کا ہے؟ یہ کوسچن تو بنتا ہے میری معزز عدلیہ سے, ٹھیک ہے, یا ان اداروں سے کہ جو کرپشن پہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف, اور جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو پھر باعزت بری کر دیے جاتے ہیں. لیکن باعزت بری کیے جانا 11.5 سال, وہ بہادر شخص اپنے بچوں سے الگ, اپنی بیوی سے الگ. 11.5 سال ایک عمر ہوتی ہے, ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے, اور ایک دفعہ نہیں مختلف ادوار میں وہ 3-3 دفعہ جیل گئے. صحیح, بالکل. اور وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جیل میرا دوسرا گھر ہے. دوسرا گھر ہے. اور کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ نہیں, ایک دفعہ گئے نہیں جھکے, دوسری دفعہ گئے نہیں جھکے, تیسری دفعہ گئے نہیں جھکے. تو اب اگر اب گئے ہیں تو کیا تم کر لو گے اس کا؟
कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर करप्शन ही पीपल्स पार्टी करती तो आवाम उन्हें इतना मोहब्बत से इतना वहलाना इस्तकबाल उस दिन आए हैं ना हो रहा होता। तो कहा जाता है कि बीबी की वजह से था ये सब, जो था बीबी की पार्टी थी और शहीद भुट्टो की पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, हम आज भी कहते हैं तो उनकी वजह से इतना ये सब। देखिए हम आज भी कहते हैं, जरदारी साहब हो या बिलावल साहब हो, आज भी हम कहते हैं भुट्टो साहब ही की पार्टी है, बीबी साहिबा ही की पार्टी है, हम तमाम वर्कर हैं। ये आपने देख लें, जरदारी साहब ने कई बार कहा, बट अपने बिलावल साहब ने कई दफा कहा, मेरे चेयरमैन ने कई दफा कहा, उनकी बेटियों ने कहा, तमाम कायदीन जितने भी हैं, टॉप लीडर कायदीन वो सब कहते हैं बीबी शहीद गई तो अब पार्टी जो है वो लड़खड़ा जाएगी। देखिए अगर लड़खड़ा जाती तो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ना होते, जो इस वक्त पार्टी के भी प्रेसिडेंट है और हम कहते हैं हमारे तो प्रेसिडेंट है ही सही वो ना, तो वो प्रेसिडेंट ना होते, आपकी गवर्नमेंट ना बनती, ऐसा नहीं। और अगर सिंध के अंदर भी अगर आप कहें ना कि नहीं है सिंध, आप कहते हो इधर से उधर से, भाई मार्जिन इतना बड़ा होता है, जहां लाखों के मार्जिन में होंगे तो आप कितने वोट रिजेक्ट करोगे, कितने फाड़ फाड़ के फेंकोगे, तो आपका बस नहीं चलता। बिल्कुल ठीक, मुसर्रत मकवा बहुत जरूरी होता है, टॉपिक इतना अच्छा है कि बस बात करने को दिल चाहता है, लेकिन यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। Greenish Hair, Skin and Nails formula is packed with all the essential nutrients like biotin, omega-3, vitamins and minerals to provide your hair, skin and nails the nourishment that it needs. Like all other Greenish vitamins and supplements, the Hair, Skin and Nails formula is gluten-free, dairy-free, soy-free and non-GMO. It is also halal, kosher and veggie certified. So make Greenish Hair, Skin and Nails formula a part of your daily healthcare routine. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you are financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. हाँ जी, ब्रेक पे जाने से पहले मुसर्रत जो है इतना ज़बरदस्त जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुई थी। अच्छा मुसर्रत, हमने ये सुना है कि पीपल्स पार्टी में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, इस पर कुछ रोशनी डालेंगी? बिल्कुल जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक है, मैं एडमिट करती हूँ है। और ये जो अनाड़ी हैं वो खुश हो जाएं, बिल्कुल फॉरवर्ड ब्लॉक है, था, रहेगा। वो फॉरवर्ड ब्लॉक है भुट्टो अज़म, जो भुट्टो अज़म है वो फॉरवर्ड ब्लॉक था, रहेगा और हमेशा रहेगा। उसके सरबरा, उस फॉरवर्ड ब्लॉक के सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और उस पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं। ये फॉरवर्ड ब्लॉक है। और देखिए कभी भी सेनेटर्स के इंतखाबात होते हैं, जब सेनेट के स्पीकर का इजला अपना इंतखाब होने जा रहा होता है, तो पीपल्स पार्टी का कोई एमपीए एमएनए ना बिका ना झुका, तो उससे साबित हुआ कि पीपल्स पार्टी में कितना बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक है। और आप दूसरी साइड में चले जाएं, जो सिलेक्टेड नालायक लोग हैं, नाहल लोग हैं, उनकी तरफ देखिए कि अपने ही उनके एमपीए बिके झुके, उसे अंदाजा लगा लें कि इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक है। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक ये बना सकते नालायक और नाहल लोग, शर्जील इनाम मेमन को उन्होंने कैद रखा, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी साहब को उन्होंने रखा, फिर खुर्शीद शाह साहब को रखा, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को, फिर आसिफ अली जरदारी साहब को ब्लैकमेल करने के लिए अदीब फरियाल तालपुर साहिबा को रखो, क्या हासिल हुआ उन्हें? रोज कह रहे होते हैं कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। अरे नालायको, तुम करके तो दिखाओ, तो हम तुम्हें माने कि फॉरवर्ड ब्लॉक होती क्या चीज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग अपनी पार्टी को दिल से जान से रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना,
अरबपति और खरबपति को सीटें नहीं देती हैं. कोई एक मुझे बता दे पीटीआई में ऐसा शख्स कि जो ग्रास रूट से आया हो. मैं आपको बताती हूँ, सईद गनी को देख लीजिए, सईद गनी को देख लें. स्ट्रगल उसके वालिद साहब ने की, उस शख्स ने अगर स्ट्रगल की तो उनके वालिद साहब शहीद हो रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे वालिद साहब शहीद हो रहे हैं तो लिहाजा मैं पार्टी छोड़ दूंगा. उन्होंने पार्टी में स्ट्रगल की, ग्रास रूट से होता हुआ शख्स आया, चेयरमैन बना, सेनेटर बना, एमपीए बना, मिनिस्टर बना, एडवाइजर बना, ग्रास रूट से आता हुआ शख्स. ये सब बीबी शहीद के बाद हो रहा है. अनवर लाल दीन एक ऐसा शख्स जिसके पास, मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, ना उसका अपना घर है, इवन के साइकिल तक मौजूद नहीं थी उसके पास, वो क्या बन रहा है, सेनेटर बन रहा है. ठीक है, आप कोहली को देख लीजिए, उस मेरी बहन को देख लें, एक झोपड़ी में रहती है, उसको क्या बना रहे हम, सेनेटर बना रहे. तो ये सारा सिलसिला कहां से होता है, पीपल्स पार्टी से हो रहा है. और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बेशुमार, आप गिनती जाइए, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लोग खत्म हमारे नहीं होंगे कि जी ये कम पड़ गया अपना. आज इस धामरा को देखें, आप चांडियो साहब को देख लें, तमाम के तमाम लोग आप गिनते चले जाएंगे, लेकिन आपका प्रोग्राम खत्म होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोग खत्म नहीं होंगे. प्लस आप कहते हो कि जो हम लोग बहुत ख्वातीन को या बच्चों को या नौजवान नस्ल को एम्पावर करेंगे, अरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख्वातीन को रिस्पेक्ट दिए. बीबी साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनी तो पीपल्स पार्टी की, अगर बीबी साहिबा शहीद हुई हैं तो हमने उस विजन को, बीबी साहिबा के विजन को कायम दायम रखा, उन्हीं के राह पे चले, तो अपोजिशन लीडर बन रही हैं सेनेट की, तो शेर रहमान साहिबा पीपल्स पार्टी की. अगर हम स्पीकर बना रहे हैं, देखिए स्पीकर बना रहे हैं जो आजकल भगोड़ी है, स्पीकर बना रहे हैं तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से. अगर हम कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं, अब हम देख लें सिंध के अंदर, कोई देख लें, दो दफा डिप्टी स्पीकर बनती है तो खातून शैला रजा साहिबा. तो कोई भी हम अगर ख्वातीन को देते हैं तो बाकायदा इंडिपेंडेंट होकर मिनिस्ट्रीज देते हैं ताकि वो ख्वातीन को एम्पावर करें, वो ख्वातीन को वो निज़ाम दे सकें जो इस माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है. तो जितना पीपल्स पार्टी ने ख्वातीन के लिए किया है, यूथ प्रोग्राम्स लाए हैं, हम हमसे ज़्यादा बढ़कर क्या करेंगे, इन्होंने किया क्या है. किसी एक खातून को तो कहते हैं कि हम गवर्नर लगा देते हैं जी, किसी एक खातून को कहते हैं कि जी हम उसकी बड़ी कोई अच्छी सी मिनिस्ट्री दे देते हैं, कुछ तो ऐसा करते. अच्छा, किसी को स्पीकर ही बना देते. अच्छा, स्पीकर तो आपने बनाया उसको, जिसको आप डाकू कहते थे. सही, यहाँ पे तो बड़ी लंबी लिस्ट है. खैर मुसर्रत, हमने ये देखा है कि बिलावल साहब तो बिल्कुल पेश पेश हैं और हमें नज़र आते हैं अक्सर ना, तो लेकिन उनकी जो बेटियां हैं बख्तावर और आसपा, उनका कैसा रुझान है सियासत में आने का, तो क्या लगता है आपको? नहीं बिल्कुल है जी, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती. अब आप देखेंगे क्योंकि वो हमें इतना नज़र नहीं आती कुछ खास ना. नहीं नहीं बिल्कुल है. अभी आप देखें पोलियो की सफ़ीर के तौर पर बीबी साहिबा ने अगर इसको स्टार्ट किया था, तो बीबी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने इस मिशन का बेड़ा उठाया है और वो बिल्कुल काम कर रही हैं. दोनों बीबियां एजुकेशन पे भी और पॉलिटिक्स में भी देखें, अगर उनका जी बिल्कुल अदी फरियाल अपनी अम्मी की तरह, बिल्कुल बिल्कुल जनाब बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि जिस खानदान से हैं, जिस खून से उनका रिश्ता है और शहीद माँ के बच्चे हैं वो, और यकीनन उनमें वही जज्बा है जो बीबी साहिबा का था, आवाम से भी वही रिश्ता और वही ताल्लुक है जो. अच्छा मुसर्रत, लास्ट में क्या कहना चाहेंगी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के लिए? मैं बीबी साहिबा को कहूँगी कि वो पाकिस्तान का नहीं, इस दुनिया का खूबसूरत फूल थी, और खूबसूरत लोग या खूबसूरत चीज़ें मेरे रब को पसंद होती हैं. वो फूल थी, फूलों की तरह लोगों ने उसको इस माशरे में रहने नहीं दिया जालमों ने, लेकिन वो फूल थी, और फूल जो है ना शहीद हुआ और शहीद
का रुतबा ये है कि वो कभी मरा नहीं करता, इससे बड़ी बात तो मैं बीबी के लिए कुछ कह ही नहीं सकती। बहुत ही खूबसूरत बात मुसर्रत नियाज़ी ने की, इसके बाद मैं कुछ बोलूँ ये मुझे नहीं आता। इसी के साथ ही प्रोग्राम जो है अपने अख्ताम को पहुँचा। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। You're watching Tag.